नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है उनका। सीएम ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार भी किया है। सीएम धामी ने मोती नगर में डोर टू डोर कैंपेन किया है। एमसीडी चुनाव को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता का रुझान केवल बीजेपी की तरफ है। एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, ये भी पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रचार के दौरान कहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं और मोती नगर की ये तस्वीर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो जनता के बीच मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी, और दूसरी तरफ उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनता का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है और भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल करेगी। तो मोतीनगर से प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करने यहां पर पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने प्रचार किया और एक छोटे से बच्चे को गोदी में लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने उसे लाड भी किया और साथ ही यहाँ पर हाथ जोड़कर अपील की है जनता से ज्यादा वोट दे। देखिए, लगातार जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एमसीडी में भारी बहुमत से फिर से भाजपा की यहाँ एमसीडी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। और दूसरी तरफ जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कहती थी कि हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जमा दिया है। उनके मंत्रियों के लगातार जेलों से भी वीडियो जारी हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लगातार तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं, आबकारी विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इन सब बातों को देख रही है, इसलिए एमसीडी में भाजपा की सरकार को बनाएगी। तो उत्तराखंड के कॉलेजों की फीस अब जल्द तय होगी। निजी आयुर्वेदिक और तकनीकी कॉलेजों की फीस तय होगी। 6 दिसंबर को तय की जाएगी कॉलेजों की फीस। फीस को लेकर मनमानी के लगते रहे हैं आरोप, और इसको देखते हुए ही अब बहुत जल्द उत्तराखंड के कॉलेजों की जो फीस है वो तय हो जाएंगी। निजी आयुर्वेदिक और तकनीकी कॉलेजों की जो फीस है वो तय की जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो परेशान थे बढ़ते फीस को लेकर, और मनमाने तरीके से फीस लिया जाता था इन कॉलेजों में, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब फीस को तय कर दिया जाएगा। एक लिमिट होगी और उस लिमिट के जरिए ही जो भी एडमिशन्स होंगे वो पूरे किए जाएंगे। 6 दिसंबर को कॉलेजों की जो फीस है वो तय कर ली जाएगी। मनमाने ढंग से फीस लिए जाते थे और इसका आरोप हमेशा से ही लगता रहा है, जिसके बाद कई बार शिकायत इसकी की गई, और ये जो कंप्लेन है इसको देखते हुए ही अब फैसला किया गया है कि एक फीस निर्धारित की जाएगी कॉलेजों की, और इतनी ही फीस कॉलेज वाले लेंगे। उत्तराखंड के कॉलेजों की फीस जल्द तय होगी। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। भारी भीड़ के कारण हरिद्वार में जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है। अब हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसे 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि पहले चरण में ई रिक्शा वाहनों के लिए 16 रूट निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें निर्धारित संख्या में ई रिक्शा चलाई जाएगी। ई रिक्शा चालकों को हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस व्यवस्था का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में अक्सर यात्रियों का आवागमन लगा रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हमेशा यहाँ पे एक समस्या के तौर पर उभरता रहता है। इसी क्रम में जनहित में हमारे द्वारा फेज़ 1 के तहत ई रिक्शा वाहनों का मार्ग निर्धारण कर उन्हें रेगुलेट करने की कवायद शुरू की गई है। इस प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए हमारे द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गई थी। उनके द्वारा दिए गए सुझाव एवं विचार विमर्शों को एकीकृत करके हमारे द्वारा 16 रूट निर्धारित किए गए हैं।
इन सभी 16 रूटों का एक कलर कोडिंग दी गई है तथा इन पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी नियत की गई है। जो वाहन किसी यूनियन से संबद्ध नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए हमारे द्वारा ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में एक डेस्क ओपन किया गया है, वो वहां जाकर के अपने संबंधित रूट का कलर प्राप्त कर सकते हैं। हरिद्वार में छात्राओं को अश्लील एमएमएस भेजने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 17 नवंबर को भल्ला कॉलेज के प्रिंसिपल ने अध्यापक सुनील कुमार पर छात्राओं को अश्लील एमएमएस भेजने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को सहारनपुर उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया है। तो गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया है और एमएमएस लगातार भेजता था छात्राओं को ये शिक्षक, अश्लील एमएमएस, जिसके बाद पुलिस ने अश्लील शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ चल रही है। आचार्य भल्ला कॉलेज के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली नगर में, जिसके तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रचलित थी, बयान वगैरह अंकित किए जा रहे थे। इसी क्रम में शिक्षक को भी बुलाया गया अपने बयान अंकित करने हेतु, परंतु वह पुलिस से छुपा हुआ फिर रहा था। क्योंकि शिक्षक के बयान विवेचना में अहम थे, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, परंतु उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जो है वह सहारनपुर में अपनी बहन के घर है। इस हेतु एक टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया गया तथा उसकी बहन के घर से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। चमोली में लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में कपीरी पट्टी के कंडारा गांव में एक शिविर लगाया गया, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान डीएम हिमांशु खुराना ने लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर में विभागीय स्टॉलों के जरिए 455 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई और अपने दायित्वों का पूरा निष्ठा से पालन करने की बात कही। माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे तो अधिकारीगण बैठे हुए मंच पे उनका माल्यार्पण करने की कृपा करें। भारत को एक संपूर्ण के लिए तथा क्षेत्र विकास खंड कंटप्रयाग में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। करीब 42 शिकायतें प्राप्त हुई, अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। समस्त विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और मेरा सभी से अनुरोध है और मैंने अनुरोध भी किया है कि यहाँ की जो जनता है उसका लाभ ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले। इसी क्रम में हम हर माह हम ऐसा एक बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करते हैं, तो समस्त जनप्रतिनिधियों से जनता से मेरा अनुरोध है कि इसका लाभ। विश्व धरोहर फूलों की घाटी जोशीमठ में वन्य जीवों की गतिविधियों और वन तस्करों पर नजर रखने के लिए 18 ट्रैप कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। भारी बर्फ के बीच 1 से 2 फीट बर्फ में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने फूलों की घाटी के अलग अलग लोकेशन पर 10 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। साथ ही समय समय पर गश्त की जा रही है। बता दें कि विश्व धरोहर फूलों की घाटी अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में फैली ये घाटी रंग बिरंगे फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। दूर दूर से लोग इस घाटी को देखने के लिए आते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही घाटी के अधिकांश फूल सूखने लगते हैं, इसलिए सर्दियां आने पर घाटी को बंद कर दिया जाता है। इस घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलने के साथ ही यहाँ पर दुनिया की दुर्लभ जाति के वन्य जीव जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही इस घाटी में बहुमूल्य जड़ी बूटी भी पाई जाती है। उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को लेकर कमर कस ली है। पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत गांव-गांव में ड्रग्स जागरूकता अभियान चला रही है।
इसी कड़ी में रुड़की के मंगलौर में पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने ड्रग्स की जागरूकता अभियान को लेकर लोगों से संवाद किया। इस मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने लोगों को ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना होगा। तो ड्रग मुक्त करने के लिए लगातार पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। रुड़की में ड्रग के नुकसान के बारे में लोगों को बता रही है जा जाकर। ड्रग फ्री देवभूमि के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और ये जागरूकता अभियान अभी भी लगातार जारी है। तमाम गलियों में और तमाम घरों में जा जाकर पुलिस ये समझा रही है, सभा का आयोजन कर रही है पुलिस, जिसमें कि जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि ड्रग से नुकसान क्या क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुसरण में एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देश पर आज लिब्बरहेड़ी गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे पुलिस टीम के द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा हेतु नशे से के मकड़जाल में फंसने से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत ड्रग्स मुक्त फ्री देवभूमि मिशन 2025 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जागरूक किया गया और सबसे ये अपील और अनुरोध किया गया कि आगे आए, नशे के विरुद्ध हमारी मुहिम का हिस्सा बने और समाज को ड्रग्स फ्री करने के अभियान में सकारात्मक योगदान दें। साथ ही लोगों को उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में जानकारी दी गई। हरिद्वार के लक्सर में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया है। जब किसान ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित किसान ने उप जिला मजिस्ट्रेट को मामले की शिकायत की। ग्रामीण की शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बेनीवाल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लक्सर कोतवाली पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी सौंप दी है। वहाँ सेक्टर है छोटा, चक लगे थे ऐसे हो गए कोई 20-25 साल। वो सेक्टर छोटा था, हमारा छोटा सा चक हूँ और वो सेक्टर हमारे बीच में, हम दक्षिण की तरफ हो, मैं पहाड़ की तरफ हो, सेक्टर भी वो बह को सारा चफेरा बह रखा, दोनों तरफ उसका सेक्टर हो, वो सारा ख़त्म कर रखा। एक हमारा छोटा सा चक लगा था, उसमें हम लिगड़न नहीं दे रहा, वो मट्टी खाँच खुदान कर दे। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी के जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गोपेश्वर मुख्य बाजार में रैली निकालकर कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। इस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि जो भरोसा पार्टी ने उनके ऊपर जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास जरूर करेंगे।